अस्सलाम वालेकुम। तो आज है जुम्मा और तुम्हारे भाई ने बड़े दिनों के बाद कुर्ता पैजामा पहना है। तो आप सबको पहले तो मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। आज 2 अक्टूबर है, बैंक हॉलीडे, तो ऑफिस की छुट्टी है, तो इत्मीनान से आज जुम्मा को एंजॉय करेंगे। थोड़े बहुत काम है वो कर लेते हैं फिर। तो आज अपने को सबसे पहला काम है अपनी गाड़ी धुलाना है। गाड़ी बहुत गंदी हो गई है अपनी, तो सबसे पहले गाड़ी धुलाने जाएंगे। और मेरे बैकग्राउंड में शायद आपको नॉइज़ आ रही होगी। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में गैस की पाइपलाइन का काम चल रहा है, तो थोड़ा संभाल लो। तो ऐसी हालत हो गई है अपनी गाड़ी की भाई, देखो ये वॉश करने से पहले। A few moments later. तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पेशे खिदमत है आपकी नज़र, हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है। गाड़ी वॉश होने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। जब मैं वहाँ से चला के लेके आ रहा था अपने बिल्डिंग के इधर, तो ऐसा लग रहा था नई गाड़ी जैसी फीलिंग आ रही थी चलाने में। फिर आगे की कहानी मैं बताता हूँ। फिर क्या हुआ, मैं जब घर पहुँचा वहाँ से, तो घर में साबिर था। साबिर मेरा छोटा कजिन भाई है। ये मेरा भाई साबिर, छोटा भाई, मेरे मामू का लड़का है ये। और वो यहाँ नहीं रहता, वो आउट ऑफ मुंबई रहता है। अब जब वो इतने दूर से हमें मिलने आया, तो अब क्या हम अपने काम करेंगे? नहीं, अब मेहमान इज फर्स्ट। फिर हम बैठे, साथ में खाना खाया। दोपहर में घर में बिरयानी बनी थी उस दिन। तो फिर शाम हुई, फिर शाम को हम लोग दोनों गए 5 नंबर मार्केट। उसे कुछ सामान लेना था, चप्पल वगैरह, तो चप्पल का तो जुगाड़ अपने पास भी है। तो अपना आसिफ, अपन गए आसिफ के पास। क्या बोल रहा है? आसिफ से चप्पल दिलवाया उसे। फिर हम लोग घर लौटे, कुछ 6:30-7 बज रहे थे, और उसे जाना भी था वापस। वो आया था एक दिन के लिए एक्चुअली, तो अभी ये जा रहा है। तो फिर अपन इसको अलविदा करते हैं। चल मिलता हूँ इंशाल्लाह। चल इंशाल्लाह मिलते हैं अपन। ख्याल रख अपना, क्या हो रहा? हाँ, तो फिर मैं इसको आता हूँ छोड़ के, फिर मिलते हैं अपन। फिर मैं उसको जाकर छोड़ कर आया, वो चला गया। अब मैं भी चलता हूँ, खुदा हाफिज़।